एवरीवन, दिव्या सुपर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई त्योहार आता है तो सभी के घर में कुछ ना कुछ मीठा जरूर बनता है, इसलिए आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी एक रेसिपी, मावा मालपुआ की। मावा और पनीर दोनों को मैं मिक्स करके बनाऊंगी, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। एक बार इसे आप मेरे स्टाइल से बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पनीर और खोआ का मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है और एक कप मैदा डाल देंगे और एक कप ही पनीर डालेंगे। सब बराबर बराबर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है, घर का बना हुआ पनीर है, आप बाहर का भी ले सकते हो। और एक कप ही यहाँ पे खोआ डाल देंगे। तीनों चीज़ों को मैंने बराबर बराबर डाला है और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। दो चम्मच ही चीनी डालें, क्योंकि दो या तीन चम्मच, क्योंकि मैं ये चाशनी वाला बना रही हूँ तो इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही हूँ। और आधा कप दूध ले लेंगे। अगर दूध कम पड़े तो आप थोड़ा सा और मिला सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा आधा कप ही डालेंगे और इसको सबको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है। स्मूथ बैटर बन के तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब एक बोल में निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है और फिर एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे क्रश करके कूट के थोड़ा सा सौंफ डाला है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और नारियल डाल रही हूँ, सूखा नारियल। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें से कोई भी चीज़ जो आपको पसंद नहीं हो आप उसको स्किप कर सकते हो, आप उसके बिना भी बना सकते हो। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे इसको। मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, कम से कम आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। और उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा तब मालपुआ बनाएंगे। तब तक इसके लिए चाशनी बना के रख लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है और एक कप चीनी ले लेंगे। एक कप चीनी के लिए एक ही कप पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको मेल्ट होने तक पकाएंगे। जब ये घुल जाएगा तब गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे कम से कम 10-12 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ इसका उसको पतला ही रखना है। तो आप देख सकते हो इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं केसर डाल रही हूँ सैफ्रन से। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हो। तो इसको मैं हिला रही हूँ लगातार, आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। इलायची का पाउडर डालने के बाद इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद देख लेंगे थोड़ा सा उठा के कि इसकी चाशनी चिपचिपी हुई है कि नहीं। बस हल्का सा चिपचिपा होने तक बस इसको पकाना है। तो ये हो गई है। अब इसको साइड में रख देंगे और दूसरा पैन ले लेंगे। दूसरा पैन में यहाँ पे घी ले लेंगे। घी में जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब मालपुआ बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बैटर भी आधे घंटे के लिए सेट हो गया है। अब मालपुआ का जो बैटर है थोड़ा थोड़ा सा उठाएंगे एक एक छोटे चम्मच से और उसको डाल देंगे इसमें। आपकी कढ़ाई में जितनी भी जगह है, 4-5 आप डाल सकते हो। अब इसको पलट देंगे। एक साइड से ये हो गया है, उलट पलट करते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो ये हल्का सा ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसको उठाएंगे और एक एक उठा के यहाँ पे चाशनी में डालते जाएंगे और 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जब ये हो जाएगा तो एक एक निकाल के और प्लेट में रखते जाएंगे। ऐसे ही सारे मालपुए को बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल के रख लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो आप एक बार मेरे स्टाइल से इसे ज़रूर बनाइए। यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हो, लेकिन इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने पहले से ही थोड़ा सा इसमें रबड़ी बना के रख लिया था। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा रबड़ी डाल के सर्व करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध को गाढ़ा करके रबड़ी बना लिया था तो उसको इस पे डाल दिया है। थोड़ा सा पिस्ता डाल के इसकी गार्निशिंग कर लेंगे, जिससे ये और भी देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।